हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट नंबर 3 पे हैं। इससे पहले मैं यूनिट नंबर 3 की और भी वीडियोस बना चुकी हूँ, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटिंजेंसी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। तो कंटिंजेंसी प्लान के अंदर हमारा क्या आता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर बिजनेस प्रोसेस। ये एक ब्रॉडर बिजनेस प्रोसेस का एक पार्ट है। इसके अंदर हमारा कुछ भी आ सकता है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, किस तरह से हम अपनी रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, हमारे कंटिंजेंसी प्लान कैसे है, मतलब किस तरह से हम अपने पूरे टाइम को किस तरह से रिकवर करेंगे, या किस तरह से क्या क्या हमारे पास पॉलिसीज है, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लानिंग टुगेदर दे फॉर्म अ कंटिन्यूटी प्लान। अगर इन सबको इकट्ठा कर दे तो इससे हमें क्या मिलता है, कॉन्टिन्यूटी प्लान। कंटिंजेंसी प्लानिंग शुड हैपन एट ऑल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कंटिंजेंसी जो प्लानिंग होती है ये हर लेवल पे होता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की हर लेवल पे ये क्या होता है, देखने को मिलती है। हाउ टू क्रिएट अ कंटिंजेंसी प्लान, तो सबसे पहले इसको किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे क्रिटिकल फंक्शंस को, फिर आइडेंटिफाई करेंगे हमारे पास क्या क्या रिस्क है या क्या क्या रिस्क देखने को मिलेगी, प्रायोरिटाइज द रिस्क, उसके बाद अपने रिस्क को किस तरह से प्रायोरिटी देनी है, कौन से रिस्क को सबसे पहले फेस करेंगे उसको देखते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा एक्सेस द रिस्क, ये सब पार्ट था हमारा एक्सेस द रिस्क का। सेकेंड पॉइंट आता है क्रिएट द कंटिंजेंसी प्लान, उसके बाद हम अपने कंटिंजेंसी प्लान को क्रिएट करेंगे, फिर थर्ड उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे। स्टेप 2 के अंदर आता है हमारा आइडेंटिफाई द प्री कंडीशंस, अपने प्री कंडीशन को पहले ही डिटरमाइन कर देंगे। स्पेसिफाई हु इज इन चार्ज, इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स फॉर ईच एक्शन, बी स्पेसिफिक, डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन। स्टेप 3 के अंदर आता है, इसके अंदर 2 अप्रोचेस होती है। फर्स्ट वन की हम अपने सारे डेटा को या सारे शेड्यूल को अपडेट रखेंगे। सेकेंड आता है एम्बेडेड द प्रोसेस इन टू द प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके 3 प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हमने कंटिंजेंसी प्लान को क्रिएट करते हैं। कंटिंजेंसी प्लान इज ऑफन लो ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के उसके प्रायोरिटी बहुत कम मिलती है कंटिंजेंसी प्लान को। डे टू डे ऑपरेशन कंज्यूमर एवरीवन अटेंशन, CP इज एन इन्वेस्टमेंट। अगर हम कंटिंजेंसी प्लान पहले ही बना रहे हैं तो ये एक तरह के इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में हमें कोई भी रिस्क देखने को मिलेगी तो हम उसे जल्दी से टैकल कर पाएंगे। तो ये हमारे एक तरह की प्लानिंग होती है जिसे बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन इसको पहले से ही प्लान करते हैं। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। देर आर 4 टाइप ऑफ बिजनेस कैटेगरी, हमारे पास 4 टाइप की बिजनेस कैटेगरी होती है, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर और सप्लायर या सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान डिस्क्राइब फॉर्म ऑफ ओनरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के अंदर हमारे क्या देखने को मिलती है, ओनरशिप दैट डिपेंड्स अपॉन लीगल कॉन्स्ट्रेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एट्सेट्रा। तो इसके अंदर हमारे लीगल कॉन्स्ट्रेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ये सब देखने को मिलती है। एवरी फॉर्म हैज़ कमेंसमेंट प्रोसीजर, अकाउंटिंग मेथड, हर बिजनेस फॉर्म के पास क्या क्या होता है, एक कमेंसमेंट प्रोसीजर होता है, एक अकाउंटिंग मेथड होता है, रिस्क और लाइबिलिटी हर एक के पास होती है, मार्केटिंग प्रमोशनल स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है। दिस प्लान मेंशंस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सिलेक्टेड फॉर्म, मतलब इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, नेम, डेजिग्नेशन, कंज्यूमर, रिज्यूम ऑफ मेंबर, स्टेक्स ऑफ मेंबर, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट सॉल्विंग मेथड, वोटिंग राइट, कंट्रोलिंग राइट। तो इस प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है तो वो हमने इस पॉइंट्स में देख लिया। इसके अंदर हमारे लीगल स्ट्रक्चर को किस तरह से अफेक्ट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी से, टैक्सेबिलिटी से और लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस से। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्लान जो कि हर कंपनी मेंटेन करती है और हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो हमारा यूनिट नंबर 3 ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरे प्रीवियस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।